उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को नमाज के बाद भड़की हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर रविवार दोपहर पीडीए का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहां से पुलिसकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते पोस्टर बैनर भी हटाए। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण के करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में स्थित 1500 वर्ग फीट में बने जावेद के दो मंजिला आलीशान मकान पर नोटिस चस्पा करके रविवार 11 बजे तक इस इमारत को खाली करने को कहा था। आपको बता दें कि जावेद पर पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। प्राधिकरण ने 10 मई को इस संबंध में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 24 मई तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ। दरअसल पीडीए के संयुक्त सचिव और जोनल अधिकारी की ओर से 25 मई को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। इसके मुताबिक 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का समय दिया गया था। इसके बाद रविवार सुबह 11 बजे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हुई।